हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, अभी सुबह का 8 बज रहा है। अभी मैं खाना वगैरह बना लिए, सारा कुछ अपना बकरी लोग को भी दे दिए घास, देखिए ख़त्म भी कर दिया। अभी घास मेरा ख़त्म हो गया है। अभी मेरे पापा बारी से गए हैं घास ले आने के लिए, क्योंकि दिन भर बकरी खुटा हुआ रहता है, शाम को खुलता है बकरी। और मैं खाना वगैरह बना लिए हैं, अब हो गया है बनिहारी ले जाने के लिए, क्योंकि कल कादो कर दिए लिए थे कल खेत में, आप सभी को ब्लॉग में दिखाए थे, वही रोपने के लिए बनिहार खोजने के लिए जा रहे हैं। देखिए मैं रेडी हो गए, अब घर से मैं निकल गई दोस्तों। अब जाऊंगी अपना मोहल्ला में, मेरे मम्मी बोली है कि रोपा रोपने के लिए, तो उन लोग को एक बार बोलना पड़ता है, तो अभी 10 बजे जाती है रोपने के लिए, तो अभी हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मम्मी अभी खेत में है और मेरा पापा अभी घास लाने के लिए गए हैं हीरा मोती के लिए और मेरा बकरी के लिए। अभी देखिए दोस्तों, मेरा घर इस तरह है। देखिए दोस्तों, मेरा घर का, मेरे सपनों का घर कैसा है, देखिए मिट्टी का बना हुआ है। देखिए ये पेंट वगैरह हुआ था, मेरी बहन का शादी हुआ था दोस्तों, तभी जब दिवाली में हम लोग पेंट करते हैं, मतलब दूधी माटी से, तो अच्छा दिखता है। बारिश की वजह से देखिए सारा घर का नक्शा बिगड़ गया दोस्तों, पूरा गिरता है। अभी मैं जा रही हूँ, देखिए बड़े पापा बैठे हुए हैं। दोस्तों मेरा घर के पास का रास्ता कितना गलीज है, इसी तरह चलना पड़ेगा मुझे। देखिए पूरा, कोई भी आदमी चलेंगे यहाँ संभल के, वरना फिसल जाते हैं। अब जाती हूँ, देखिए वो घर दिख रहा है, वो उधर बोलेंगे। देखिए दोस्तों, लौकी का लर चढ़ा रहे हैं हम लोग, लगाए हैं अभी, धीरे धीरे लर ऊपर छत में चढ़ाएंगे। देखिए इसमें लौकी पूरा बहुत ज़्यादा फलेगा, अभी लर चलेगा तब। तो मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे। अब जा रही हूँ मैं दोस्तों, अभी मैं बनिहार खोज के आ गई, उधर गए थे महल्ला की ओर से, तो सबको लेके मेरी मम्मी चली गई, और अभी मैं आ गई हूँ घर। देखिए गोलू घर में कोई नहीं है, सब खेत में है। अभी देखिए हमको खाना पूड़ी सब्जी बनाना है बनिहार लोग के लिए, तो देखिए अभी हम चूल्हा जला लिए हैं और मैं गोलू को रखे हैं, क्योंकि सबको इधर उधर पूरा ट्रैक्टर में कादो करवाने के लिए गया है। मेरी टकली लिपस्टिक लगा ली है मेरी टकली। अभी जल्दी से मसाला पीस लिए हैं, आलू उबालना है दोस्तों। नहीं बेटा, बाल नहीं करते हैं सब। नहीं बेटा, तेरा भी बाल है मम्मी। बाय बोलो बेटा, टाटा करो बेटा एक बार। मेरा गोलू टाटा कर दी। देखिए दोस्तों, अभी मैं बनिहार के लिए पूड़ी बना रहे हैं। देखिए लाइट मेरा घर तरफ कट गया, सुबह से एकदम अंधेरे में बना रहे हैं मोबाइल की लाइट जला के दोस्तों। देखिए पूड़ी इसमें बेल के रखे हैं सूप में, और देखिए सब्जी बना लिए हैं, ले जाने के लिए डेक्ची में डाल दिए हैं दोस्तों। देखिए आधा बचा हुआ है, इसको बाद में बनाएंगे, क्योंकि 3 बजने वाला है तो बनिहार लोग को भूख लगा होगा। देखिए ताव भी थोड़ा कम हो गया था, गैस में बनाने लगे दोस्तों। अब ले जाएंगे बांध के, हो गया बनाया हुआ। तो मैं अपना खेत पहुंच गए हैं अभी। देखिए सुबह से अभी आए, उनको पूड़ी बनाते बनाते 3 बज गया, बनिहार को भी देंगे खाने के लिए। देखिए बनिहार लोग सब रोप रही है, पूरा खेत पुर गया दोस्तों। अभी हम आए हैं, खाना भेज दिए थे, क्या खेत में गिरा देंगे, उतना ज़्यादा खाना था तो पूड़ी सब्जी, इसीलिए गाड़ी से भेज दिए पापा और जीजा जी के साथ। और मैं आ गई खेत, अपना खेत देखिए।
अभी लोग को खाना दे रहे हैं, पूरी सब्जी देखिए बैठी हुई है, देखिए पूरी सब्जी पानी ले आए हैं, पकड़ ओके कर दिए पीछे से डोली। आगे हम ना पकड़ लेंगे, हमार से भारी छारो ने ना फूल ना फूल ना भारी फूल ना चाहे ना फूल तो हम बोले थे ना हॉस्टलों रोली ना तेल भी बहुत टान तो हॉस्टलों सब करो ले छाके के लिए जितनी बा पूरी सब खपटी खपटी नहीं हम ककरो ना बोलो ले बाद में रूम में मैं बोला रे आज पूरी खपटी मिलेगा हम छाक रहे थे तो ऐसे ही इसलिए भी भाई तो मेरे भाभी लोग सब खार निकली बैठ गई। देखिए मारा देख रहा है घोड़ा चला नहीं है। अभी खाने के लिए सबको दे दिए हैं, अब मैं वीडियो कर रही हूँ। देखिए मेरा डोली नहीं खा रही है दोस्तों। अपन दीदी करता इंदिरा भाई का सबको इसमें आ रही है, सब शर्माती है वीडियो में। दोस्तों देखिए खाया हुआ हो गया मेरे भाभी लोग को और मम्मी लोग को। देखिए अब रोपने लगी। देखिए दोस्तों अब एक पाए इसमें रोपेंगी और एक पाए थोड़ा सा बच जाएगा, दो पाए होगा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। देखिए उतना दूर से पूरा रोपते हुए यहाँ तक आ गई है, शाम होते ही मेरा रोपाई ख़त्म हो जाएगा। केवल नीचे वाला खेत में पानी नहीं है दोस्तों, उसको अब कल करेंगे मेरे पापा, क्योंकि बृहस्पत हम लोग को हो जाता है हमारे गांव का। बृहस्पत के दिन में हम लोग हल बैल नहीं जोतते हैं, सप्ताह में एक दिन जानवर को छुट्टी मिलता है हम लोग के घर तरफ। लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और सपोर्ट भी कीजिएगा। दोस्तों मेरा खेत के अगल बगल का धान लोग पूरा हरा भरा हो गया दोस्तों। देखिए इन लोग पटा पटाक रोपी थी, क्योंकि इन लोगों को कुआँ है यहाँ, हम लोग को कुआँ नहीं है तो पानी इन लोग नहीं देते हैं। तो हम लोग पूरा एक नहर बहता है बहुत दूर में, एकदम 600 मीटर हमको लगता है कि डिलीवरी लगा के हम लोग कल पटाए हैं इतना बड़ा खेत, आज रोप लिए। देखिए दोस्तों मेरा घर तरफ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, पूरा शाम हो गया है। देखिए पूरा खेत ही खेत नज़र आ रहा है यहाँ पे और हरा भरा। देखिए मेरा घर वाइट वाला दिख रहा है, बिल्डिंग वहाँ पे है, बहुत दूर है मेरा घर, अभी जाने में लगेगा टाइम 5 मिनट या 10 मिनट, खेत में गिरते गिरते चले जाएंगे। सब निकल रही है अब घर जाने के लिए, अब पैर हवा तो धोएगी यहीं खेत का पानी में। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है बगल वाला खेत में, पैर हाथ धोएगी और अब निकल जाएगी अपना अपना छाता लेके। देखिए छाता प्लास्टिक, मैं इतना सारा बर्तन लाए हैं, बर्तन को लेते जाएंगे अभी मैं घर। सबको टाइम हो गया खेत से निकलने के लिए। देखिए मेरा बड़ी मम्मी को पूरा नहीं हुआ, देखिए क्योंकि उसका डबल खेत था यहाँ पे। और देखिए मेरा चाची लोग का भी हो गया है ऊपर में, अभी वहाँ दिखता नहीं होगा, दूर में है थोड़ा। मेरे पापा लोग को 5 भाई है पापा लोग दोस्तों, सबका खेत पूरा रोपाई ख़त्म, अब दूसरे तरफ रोपाई करेंगे कल हम लोग। इधर का बड़ा खेत था सारा ख़त्म हो गया मेरा रोपाई, यहीं का टेंशन सभी भाई का रहता है रोपने का, अब सबका टेंशन ख़त्म हो गया। घर आ गए दोस्तों, देखिए मम्मी और दीदी, मेरे दीदी आई है ससुराल से रोपा रोप देने के लिए, रोपा हुआ हो गया। अब उनका बेटा देखिए आ रहा है मम्मी को देख के, घर पहुंच गए हम लोग। अब बेटा देखिए मम्मी को देखते हुए आ रहा है मेरा बाबू, अरे बाबा मेरा बाबू ले लो, इनका पापा चल गए इसलिए बहुत रो रहा था, मम्मी पास नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे करके। देखे रहा कितना बोलता है, तेरा पापा चल गए घर। हाँ अच्छा आएंगे तेरा पापा। हेलो दोस्तों, देखिए अभी रात हो गई दोस्तों, मैं रात का भोजन कर लिए हैं,
खाना खा के मैं अपना रूम आ गई हूँ दोस्तों। देखिए मैं अपना बेड पे बैठ गई हूँ। तो मैं खेत से आई तो मुझे पता चला कि हम लोग तो यहाँ पे रोपा रोप रहे थे घर के बगल में, और हम लोग को और एक और खेत है तो पहाड़ के जस्ट नीचे में हम लोग को एक ज़मीन है, आप लोग को दिखाएंगे हम लोग का खेत। वहाँ पे मेरे चाचा लोग ले गए थे ट्रैक्टर तो वहाँ कादो करने के लिए, पहाड़ से लम रहे थे ट्रैक्टर दोस्तों। बहुत घटना घट गया दोस्तों हम लोग के साथ में, ट्रैक्टर पूरा पलट गया दोस्तों। हम तो देखे नहीं हैं पर भाई लोग, हम लोग यहाँ रोपा रोप रहे थे तो भाई लोग ब्लॉग बना के लेते आए हैं। देखे तो आदमी को तो बहुत थोड़ा नुकसान हो गया है, अभी हम लोग देखे नहीं हैं, उस लोग को हॉस्पिटल ले गए दोस्तों। अब क्या होगा पता नहीं, पूरा बोल रहे हैं कि टूट गया है, शायद कमर पैर वगैरह सब टूट गया है दोस्तों, क्योंकि ट्रैक्टर कैजुअल भारी रहता है तो आगे का माथा जो है गाड़ी का डायरेक्ट उठ गया दोस्तों। तो आदमी गिर गए, जो ड्राइवर थे वो गिर गए और पूरा जता गए, कैसे अभी बच गए हैं अभी देख रहे हैं। सुनने में आया है कि केवल कमर और पैर हाथ टूटा है, अब देखते हैं क्या सुबह में सूचना मिलता है दोस्तों। अब आज हम लोग कादो भी नहीं हुआ, बहुत ही घटना घट गया दोस्तों। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और सपोर्ट भी कीजिएगा। आप सभी को ब्लॉग में दिखाएंगे कि ट्रैक्टर किस तरह से गिर गया है हम लोग को खेत में दोस्तों। अभी दोस्तों थोड़ा सोच समझ के गाड़ी को ले जाइएगा, हम लोग तो ले गए, हर एक साल हम लोग गाड़ी पहाड़ से ही लंबाते हैं दोस्तों, बट ऐसा कभी नहीं हम लोग के साथ हुआ। पता नहीं इस बार कैसे ऐसा हो गया। अब हम लोग का रास्ता वही है कि पहाड़ से ही उतारना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि बहुत ऊपर में खेत हो जाता है, सब कोई नीचे रोक देता है, तो चढ़ने के लिए हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए हम लोग पहाड़ की ओर से हम लोग लंबाते हैं, हर एक साल लंबाते थे, इसलिए इस बार भी लंबाया पता नहीं। अब भगवान से गॉड प्रार्थना करती हूँ दोस्तों कि ठीक हो जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। आप लोग भी खेती बाड़ी करते हैं दोस्तों, जो जो आप लोग अपने खेत में धान लगाते हैं, ट्रैक्टर को सही सलामत से रास्ता दिखा के ले जाइएगा दोस्तों। सतर्क के गाड़ी चलाने बोलिएगा अपने ड्राइवर लोग को, जिनका भी गाड़ी है दोस्तों। मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ड्राइवर जो थे, हम लोग आए थे जोतने के लिए, वो ठीक हो जाए। हेलो गाइज, देखिए आज हमारे खेत पे ट्रैक्टर जा रहा था तो रास्ते पे गाड़ी ट्रैक्टर उलट गया। ये देखिए ट्रैक्टर यहाँ पर है, देखिए कैसा हो गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं, उधर जैसे भी इधर ट्रैक्टर को निकालने के लिए रास्ता बना रहे हैं। देख रहे हैं ट्रैक्टर का कैसा हाल हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं तक अंत करती हूं दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मेरा वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और न्यू आए होंगे मेरे चैनल पे